जो मर्जी ये कानून साजियां कर ले, सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक दिया करे। ये अगली पेशन गई है फिर। राणा सनाउल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है। पीपल्स पार्टी टूटेगी, वही रास्ता निकालेगी। 9 बैठे जस्टिस साहबान, 13 बैठे, तो फैसला क्या होगा? ये मेरे पेशन को ही है। अब इसके बाद एक और बेंच बैठेगा, लार्जर बेंच। ऑनरेबल चीफ जस्टिस की पावर है, वो 100 मोटो लेंगे। प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं मरियम नवाज साहब पे। शहबाज शरीफ साहब ना हो जाए ना हेल, कंटेम्प्ट भी आ सकती है शहबाज शरीफ साहब पे इलेक्शन ना होने की वजह से। मशरिक का सूरज कहा हुआ मैंने इमरान खान को हमेशा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुमा खालिद और आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, बात की जाए इमरान खान साहब की, तो आवाम की तकदीर बदलने वाला सितारा अपने माथे पे लिए वो आवाम के लिए बाहर निकले हुए हैं। किस तरीके से हमारी आवाम इमरान खान साहब के साथ कदम मिलाकर चल रही है, आने वाले वक्त में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं, उन पर मुश्किलात जो हैं वो आती जा रही हैं, उनका घेरा जो है वो तंग किया जा रहा है, लगातार उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बहुत से हम केसेस भी देखते हैं। अब एक नया केस कि उनके निकाह का मामला, मुफ्ती सैयद साहब ने ये अदालत में नोटिस भी दिया है कि उनके जो हैं वो दो निकाह हुए हैं। आखिर ये क्या मामला है? इमरान खान साहब पर दिन ब दिन मुश्किलात जो हैं वो आती जा रही हैं। क्या इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब को दोबारा नाअहल करने की कोई साजिश रची गई है? ये सब हम एम एस शहजाद खान साहब से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये निकाह का मामला आखिर क्या है? कुछ भी नहीं, जितना मर्जी आप किसी को बदनाम करना चाहो, कुछ भी कहना चाहो, जो मर्जी आप तो चीज़ ढूंढो। खांसी भी, अगर वो खांस भी ले खान तो उस पर भी पर्चा है, जो मर्जी करते जाओ। बस एक अब ये बातें क्यों हैं? 8-9 महीने में ये बातें सारी खान की निकालो, उसकी तो ज़िंदगी 70-72 साल अभी है, तो मेरा ख्याल से तो उसकी तो जब से पैदा हुआ तब तक खोलो, तो पता नहीं क्या कुछ तुम रजिस्टर बना लो। तो ड्रामे कुछ भी नहीं होना, क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा, तो नहल हो जाएंगे, क्या होगा, नहीं होना कुछ। किरदार कशी कर रहे हो, किसी की भी कर ले आप। मैं किसी के बारे में कुछ कहना चाहूँ तो स्टार्ट कर लो। सर मुझे बताइएगा कि इंतखाबी फंड के मामले में जस्टिस साहब ने अपने चैम्बर में दोबारा बुला लिया, क्या लगता है कि अब इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, या फिर से पेंडिंग पे चले जाएंगे? देखो हुमा, आपको याद होगा मैंने शुरू से ही कहा हुआ है कि इलेक्शन में मार्च अप्रैल में कहा था, मार्च से ही बात शुरू होगी। सदर पाकिस्तान साहब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इलेक्शंस जो हैं वो 30 अप्रैल, तो बात कब हुई? मार्च में। फिर अप्रैल में क्या हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने कह दी, मई की दे दी, तो 3 महीने कंप्लीट। सुनिया गल तो मैं वड्डी कर रहा हूँ, इलेक्शन तो होने ने, नसन नहीं हो देना। अब क्या है, अब नोटिसेस चलेंगे जिसमें स्टेट बैंक के भी गवर्नर साहब आएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहेगी पैसे अरेंज करो, पैसे तो अरेंज होंगे। कानून तो हूँ कोई अगों नहीं नस सकता, कानून सब तो वड्डा है। कानूनी बात, इलेक्शन नहीं हो टलते, जो मर्जी कर लो। सियासी बात, रास्ता निकाल लो। सियासी क्या है? रास्ता निकाल लो, डायलॉग कर लो। मैं शुरू से कह रहा हूं उन तुसी सही फंसे हो, पिंजरे थल्ले आ गए हो आप ही। तो सियासी बात क्या है? जो पीपल्स पार्टी के जनाब आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो रास्ते के लिए कह रहे हैं, वो भी समझदार हैं, सियासी खिलाड़ी हैं। और उनका मुझे एक बात याद आ जाती है, पार्लियामेंट में थे तो कहा उन्होंने कि हम जो है सियासी यूनिवर्सिटी हैं। मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, और हमारे स्टूडेंट यहाँ पे बेशुमार बैठे हैं। आपने अपनी हर वीडियो में एक पेशन गोई की और वो पूरी हुई। आपके पिछले वीडियो में आपने बेंच का बताया, क्या 8 रुकनी बेंच बनेगा, और आज हमें पता लगा कि वो बेंच बन गया है। क्या लगता है अब क्या फैसला होगा, क्या होने जा रहा है? अभी और पेशन गोइयां कर देते हैं आपके प्रोग्राम में, जो मैं करता आ रहा हूँ। तो नाज़रीन फिर आप तैयार है अगली पेशन गोइयों के लिए कि क्या होने वाला है? देखें ये कानून साजी की इन्होंने, जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की जो 100 मोटो की पावर्स को कम किया जाए, तो सुबह बैठ रहे बेंच ऐसे करके फैसला उड़ा देंगे। पार्लियामेंट हुकूमत फारक वो फैसला। अभी एक और बात है, वो क्या है, अभी ये कानून साजियां और करेंगे कि जी कंटेम्प्ट के कानून से भागे, उसके लिए वो भी
जो है अग्रीव पार्टी जो है जाएगी सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे भी फिर बेंच बनेगा, वो भी उठा के जो मर्जी ये कानून साजियां कर ले, सारे ही आला अगस्त सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक दिया करे। ये अगली पेशन गई है फिर बड़ी तेजी से, क्योंकि ये तो हुकूमत आई माशाल्लाह एकदम से सीटों पे आके बैठ गई, हर मिनिस्टर्स हैं और हम अब हर मिनिस्टर बैठा हुआ है और वो ये सोच रहा है कि अब आवाम की फलां मिनिस्ट्री आवाम के लिए वो फ़ायदा देगी, कोई हेल्थ की देगी, कोई एजुकेशन की होगी, कोई रोटी कपड़े मकान के हवाले से होगी बात, हम तो ये सोच रहे थे। लेकिन उधर तो तरामीम हो रही है, नैब तरामीम और ये फलां की पावर कम की जाए, फलां ये किया जाए, आपने सारी तनख्वाहें ली हैं पार्लियामेंट में बैठ के, कानून साजी जो भी आप करें सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक रही है, आपने गाड़ी के तेल पेट्रोल्स हवाई जहाज प्लेन्स यूज हुए, गेस्ट हाउस हर चीज़ रेस्ट हाउस यूज़ हुए, क्या किया आपने 8-9 महीने में? जो भी कानून साजी कर रहे हैं वो गलती होती है, वो भी फारी, तो क्या किया आवाम को दिया क्या? अच्छा आपने बताया कि हुकूमत जाने वाली है, वहीं पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपना बयान दे दिया है कि जैसे इमरान खान साहब की हरकतें हैं तो ऐसे तो अक्टूबर में भी इलेक्शंस शायद ना हो। राना सनाउल्लाह साहब को सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, मैं तो खुली बातें बता दी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है काम, अगस्त सुप्रीम कोर्ट, मैंने सब कह दिया है सीधी, कानूनी फंस गए हो इलेक्शन ने, आ जाएंगे गवर्नर अभी 14 तारीख को गालबन है अप्रैल की, उसमें कह नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन के वो पैसों की बात थी नहीं हुए तो नोटिस गए हैं, ठीक है, हालांकि 2 दिन लेट गया है, परसों चला जाना चाहिए था, नोटिस गए हैं, गवर्नर स्टेट बैठेंगे सारा कुछ पता चल जाएगा आपको। आसिफ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया है कि इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें, आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा कदम होगा, क्या वो मानेंगे इस बात को? ये तो मैंने पेशन गोई की हुई है 2 महीने पहले से कि अप्रैल में बैठक है और पीपल्स पार्टी टूटेगी, वही रास्ता निकालेगी, हो गई वो बात, अब नहीं बैठते तो ना बैठे, मैंने कहा उन्हें मजबूरी बन जाएगी बहना, क्यों? अब नून लीग का एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी, कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा, जो सुन रहे हो कानूनी रास्ता कट रहा है तो इलेक्शन कराएगा, अब उन्हें पता हम फंस गए 14 मई को इलेक्शन होने, वो टल ही नहीं सकती बात, ठीक है, और भी कोई गेम करे लार्जर बेंच बन जाएगा, वो भी 90 डेज पे आ जाएंगे, और कोई गेम करे तो फुल कोर्ट आ जाएगी वो भी, क्योंकि जो फैसला होना है जो जस्टिस साहबान होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, दस्तूर के मुहाफिज, फैसला होने ही यही है, 9 बैठे जस्टिस साहबान, 13 बैठे फुल कोर्ट, 15 के बैठ जाए, अभी तो है ही 15, अगर वैसे 17 होते हैं जस्टिस साहबान तो फुल कोर्ट वो भी बैठे, तो फैसला क्या होगा? ये मेरे पेशेंट को ही यही है, इलेक्शन 90 डेज, अभी इसके बाद एक और बेंच बैठेगा लार्जर बेंच, इस बेंच के बाद जो एक और फैसला आएगा वो क्या आएगा, वो 2, 3 और 3, 5, 4 वाली बात भी वो भी हल होगी उसी में, फैसला 90 डेज में ही होने इलेक्शन, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पावर है, वो फैसला दे सकती हैं, वो भी अपना इख्तियार बताएंगी, ऐसी बातें होनी आगे जाके, सारे लोग पीडीएम जो कानून के साथ बात को नहीं मान रहे वायोलेशन में चले गए हैं, ठीक है वो सब फंस जाएंगे, शर्मिंदा ताबीर है, कानून सबसे बड़ा, दस्तूर सबसे बड़ा, उनके जस्टिस साहबान ने आइन दस्तूर और कानून के मुताबिक फैसला करना है, उसमें जाती मर्जी नहीं होती, किसी की पसंद नापसंद की बात नहीं होती। अच्छा आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होने से पहले शहबाज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापिस आ जाएंगे पाकिस्तान? अभी डॉक्टरों ने इजाजत नहीं दी, सुनो कहते ने पाकिस्तान की जड़ी तो छां बड़ी और ख़राब है, तो गिल्ली मट्टी तो नवाज शरीफ साहब पाँव नहीं रखते, क्योंकि डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी सऊदीया तक चले जाएं, इस जगह चले जाएं, उधर चले जाएं, आबो हवा का भी तो ताल्लुक है ना, तो अभी हमारे मुल्क की आबो हवा ठीक नहीं है, उनके लिए सूट नहीं कर रही, तो वो नहीं आ रहे अभी। आईने पाकिस्तान का कन्वेंशन था और उसमें फ़ाइज ईसा साहब बैठे जिस पर उन्हें बहुत सी तनकीद भी की गई, आप क्या समझते हैं उन्होंने ठीक किया गलत किया या उनको इसका क्या नुकसान हुआ? देखें वो इसमें तो इस तरह की मैं समझता हूँ कि मुश्तरका इजलास एक दफ़ा पहले भी हुआ है पार्लियामेंट का, उसमें एक सबका चीफ जस्टिस साहब थे अनवर जहीर, वो भी बैठे हैं,
अच्छा, इस कन्वेंशन में गोल्डन जुबली थी बेसिकली, इसमें भी सब जस्टिस साहिबान का भी था दावतनामा और उसमें गवर्नर्स भी थे, तो ठीक गए उसमें, तो ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, आगे पीडीएम ने कोई हरकतें ऐसी की हों जिसमें जो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान हैं उनके ऊपर कोई अवाम ने कोई बात की, तो उसकी जिम्मेदार पीडीएम है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप हमेशा कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, कानून को साथ जोड़कर बात करते हैं बगैर किसी अच्छे एक अच्छा, आप हमें बताते हैं कि फलां एक्ट है फलां एक्ट है, तो हमें ये भी ज़रा बताते चलें कि आज़ाद कश्मीर की जो अदालत है उन्होंने उनके वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया, क्या वजह बनी आखिर वहाँ पर और यहाँ पर क्या चीज़ें चल रही? तोहीन अदालत बहुत बड़ी, जैसे हमारी पीडीएम में हमारी मरियम नवाज साहिबा ने की, उन पे तो कोई एक्शन भी नहीं हुआ, कहती रहती हैं, और मैंने एक पेशेंट को ही की हुई है, एक्टिंग करो बोलो अदलिया के खिलाफ, पता चल जाएगा तुम्हें। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास, उमर अता बंदियाल पास ये पावर है, वो सो मोटो लेंगे प्रोसीडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं मरियम नवाज साहिबा पे तौहीन अदालत के हवाले से। ये बात जहन में रखना, मैं क्यों कहता हूँ कुछ करो, अब करो क्योंकि कानून के दरवाजे खुल गए हैं अगस्त सुप्रीम कोर्ट के, अब क्यों नहीं वो इंतजार होता, अब क्यों नहीं पुलसें पड़ती, अब क्यों नहीं आंसू गैसें गिरती, क्यों नहीं गिरती? मैंने कहा था कि अब बीलां उठ गई ने मुँह से कंकरियां पाके टल जाना हुन, और दस्तूर दे मुहाफिज अबा बीलां भी ने ते दस्तूर दे मुहाफिज जस्टिस साहिबान भी ने, कानून खेडन नहीं हो देंगे तो ना नसन देंगे, तो फायदा यही है कि अप्रैल में बैठ जाओ। अब बात हो रही थी कि जिस तरह की गुफ्तगु कर गए सरदार साहब तनवीर साहब, उन्होंने तो शायद वीडियोज भी पता नहीं शायद सुना है, मैंने चला दी दिखा दी, तो भाई यही होना था, नाअहल ही होना था। अभी तो एक और बात बताने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ना हो जाए नाअहल, जितनी छेड़खानियाँ हुई हैं किस पे, अगस्त सुप्रीम कोर्ट पे, आला अदलियात पे, जस्टिस साहिबान पे, और कानून का ना मानना, कंटेम्प्ट भी आ सकती है शहबाज शरीफ साहब पे इलेक्शन ना होने की वजह से। अब वो चाहे कहें जी मेरा अकेले का फैसला नहीं जी, पार्लियामेंट का है तो ये वो, नहीं जनाब बब्बर शेरो फसन उन पीडीएम जा रही है। हेलो जी पीडीएम वालों, आप लोगों के लिए ये पेशन कोई आ गई है, मान जाएं वरना फिर आगे तो अल्लाह ताला बेहतर आपके लिए कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल है कि 20 अप्रैल को जो है वो सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, उसी के साथ हमारी ईद भी पुरजोश तरीके से लोग मनाने के लिए तैयार हैं, आपको क्या लगता है कि सूरज ग्रहण के बाद ये जो ईद आएगी इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छा लेकर आएगी या फिर कुछ और बुरा होगा? बात ये है कि सूरज ग्रहण खाली इमरान खान साहब के लिए निकला, इसमें भाई साहब पूरी पार्लियामेंट के लिए भी निकला है, पीडीएम के लिए भी निकला है, खित्ते के लिए भी निकला है, दुनिया के लिए भी निकला है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हो, स्टेट्स के हवाले से इसमें अप डाउन रहेगा, अनाज गल्ला वगैरह अप डाउन रहेगा, गैस तेल वगैरह अप डाउन रहेगा, बारिश मौसम ये वो चीज़ें इसी तरह ही रहेगा, वो तो बेहतर नहीं है ये वाला सूरज ग्रह। तो क्या हमारी सियासी सूरत हाल पर भी ये भारी पड़ेगा सूरज ग्रह? तो ये भारी पड़ गया ना पीडीएम पे, अब खुल गए ना दरवाजे, नोटिस आ जाते हैं ना, हो रहे हैं ना, तो इमरान खान के लिए तो फायदा ही नजर आ रहा है, उसको तो नहीं नोटिस आ गया ना। मतलब के इस सूरज ग्रहण के बाद इमरान खान साहब को ईद पे ईद ही मिलने वाली है। और सूरज क्या होता है? मशरिक का सूरज कहा हुआ मैंने इमरान खान को हमेशा, याद है? ईस्ट का सूरज तो उन्हों भी ग्रहण हो गया, टल जाओ इमरान खान दे ना लिए अभी। कोई पैगाम आपका हमारी ऑडियंस को? बस ये है कि ईद भी आ रही है, रोजे भी रखे, कोशिश जिक्र में भी रहे, सब कुछ अपने बच्चों के कपड़े ले रहे हो साथ ना, कोशिश करो कि एक एक दो दो जोड़े ज़्यादा ले लो, ये जो गरीब लोग हैं उनको भी दे दो, उनकी भी ईद हो जाएगी, सारे गरीबों की हो जाएगी, हम सारे एक एक दो दो जोड़े भी लें। अगर हम घी का डब्बा लाते हैं अपने लिए तो एक छोटा सी चाय उनके लिए भी ले लें, और जो हम इतने फल लाते हैं आटा भी लाते हैं, जो जलील कर दिया है पीडीएम ने, वो आटे में रश लगा के हमें भिखारी बना दिया ना, भिखारी ही है ना, तो आटे के तोड़े देने और अपने कि हम बहुत बड़े भी बादशाह हैं और पकवाने और उसमें लोग मर गए, तो हमें चाहिए कि हम आटे के तोड़े में से 5 किलो ही आटा निकाल के गरीब के घर भिजवा दिया करें, ये ड्रामेबाजियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अभी ये जो सड़कें टूटी हुई हैं ये इलेक्शन से पहले ऐसे बनेंगी, क्योंकि हम तो सड़क पर गली पर नाली पर
गटर पे वोट देने वाले लोग हैं ना, ये बात ज़हन में रखें। तो हम इसको सड़क को खुद भी बना सकते हैं। अगर हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे बाहर जो गली है, सड़क है, उस घर में से 10-15 हज़ार ज़्यादा लगा के अपनी सड़क भी ठीक करें तो हम पूरी कौम भी ठीक कर सकती है। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, जो भी वोट लेने आएगा ना तो ऐसे तो कुछ झाड़ू भरवाएंगे, सड़क साफ कर बनाइए इसी जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने शहज़ाद साहब की बातें सुनी, बहुत सी अगली पेशनगोईयां भी इन्होंने की। इसी के साथ साथ ईद के लिए खूबसूरत पैगाम भी दिया कि ईद जो है वो अपनों के साथ तो मनानी है, मगर ईद का असल मकसद उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक करना होता है जो शायद बाकी लोगों की तरह अपनी ईद मना नहीं पाते, वो लोग जिनके वालदैन उनके सर पर नहीं, वो बच्चे, वो मासूम यतीम बच्चे, या फिर वो ख़वातीन जिनके मियाँ अब हयात नहीं, उन लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। जहाँ अपने लिए कुछ लें उनके लिए भी ज़रूर लें, और उनका भी ख्याल रखें। ईद का मतलब खुशियाँ बांटना है, ना कि अपने लिए खुशियाँ समेटना है। तो खुशियों को बांटने वाला बने, समेटने वाले तो हम पहले ही हैं। बाकी मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ मैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।